सुबह विवेक मंदिर स्कूल के 13 छात्र छात्राएं स्कूल में आते वक्त रिंग रोड विवेक मंदिर स्कूल के सामने रेलिंग से सटकर नीचे ढलान में गिरने से परिसर में हड़कंप मच गया है। स्कूल व ड्राइवर की लापरवाही की वजह से स्कूली छात्र ढलान में गिरने की वजह से छात्रों के परिवार ने स्कूल तथा ड्राइवर पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसी मांग की है। जिस बस में छात्र छात्राएं सवार थे उस बस में कोई व्यवस्था नहीं थी। बस में घायल छात्रों में 5 छात्र और 8 छात्राओं का समावेश है। प्राइवेट स्कूल लाखों रुपए की फीस लेकर स्कूल चलाते हैं, फिर भी लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। छात्रों की परिवार वालों की मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए। स्टीयरिंग लॉक हो गई, कंट्रोल बचाने के चक्कर में गया तो कंट्रोल हो नहीं पाई, स्टीयरिंग लॉक हो गई है। अच्छा, कितने बच्चे थे? बचाने की बहुत कोशिश किया, 13 छात्र थे। तो कितना मारे बच्चों को? बच्चों को चोट नहीं एक भी। अब बच्चे कहाँ हैं अभी? पूरे पेरेंट्स घर चले गए लेकर। हाँ, मेरे बच्चे वैन से आ रहे थे, हमको जिस तरीके से जानकारी मिली, और ये वैन यहाँ पलट गई। एक मंदिर स्कूल के बच्चे हैं, उनके भी यहाँ बालक भी थे खड़े हुए, बालकों ने भी बोले मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से जो घटना है वो ना हो। इस देश के बच्चे 12-15 जो भी बच्चे थे, अब स्कूल में कैसा, स्कूल प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि अपने गाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं वो ड्राइवर कैसा है, ड्राइवर की लाइसेंस है या नहीं, वो गाड़ी की फिटनेस बनी है क्या नहीं RTO विभाग से, या RTO विभाग की भी जवाबदारी है। एक समिति होती है यहाँ पर, मैं भी शिक्षा सभापति रहा नगर पालिका में, यहाँ एक समिति होती है, समिति में गाड़ियाँ जब चेक होती है तो RTO विभाग के दंगल के लोग आते हैं, तो वो लोग गाड़ी को चेक करते कि गाड़ी बच्चे ले जाने के लायक है या नहीं, उसको फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। और जो स्कूल प्रशासन है उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, और जो माँ बाप है सबसे ज़्यादा माँ बाप ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके हैं, पैसे उनके लग रहे शिक्षा के लिए, ये सब जानकारी माँ बाप ने भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को पकड़े और छोड़ दिए, स्कूल बस में बैठा दिए, कहीं बैठा दिए, भाई रिक्शे से भेजते तो रिक्शे का बायोडाटा क्या है, ड्राइवर का जो रिक्शा चलाता है, बड़ी गाड़ी है, तो वो सब जानकारियाँ रखना चाहिए, और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके तरफ माननीय जिलाधिकारी हो या जो भी प्रशासन है, आम नागरिक है, जनता, ये जन जागरूकता होना चाहिए, भाई ऐसी दुर्घटना फिर ना हो। आप पत्रकार लोगों, आप भी इसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए। VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।